तो हम लोग शुरू करेंगे फाइलम नंबर टू, और फाइलम नंबर टू का नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, इस सीलेंट्रेटा फाइलम को हम एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया, तो निडेरिया नाम क्यों दिया, एक ये भी हमको जानना है। सीलेंट्रेटा को एक कॉमन नाम, जैसे हमने पॉरीफेरा को स्पंज बोला था, याद आया, क्योंकि तो उनकी बॉडी स्पंज के जैसे होती है, ऐसे ही सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया नाम से जानते हैं। CNIDARIA, निडेरिया। निडेरिया कहीं ना कहीं निडल से बना है। निडल, निडल का मतलब सुई। इनकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल होती हैं, जैसे ये एक सेल है, इस सेल से एक सुई के जैसा, पिन जैसा, इस तरह से एक आउटग्रोथ निकली हुई पाई जाती है, एक पिन जैसा, एक सुई के जैसा, और इसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल भरे रहते हैं। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक केमिकल होते हैं इस सेल के अंदर, और जैसे ही ये इन केमिकल को यहाँ से स्पिन से किसी भी एनिमल में चुभाता है तो वो उसको बेहोश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिन चुभाने वाला ऐसा सेल उसकी बॉडी में देखने को मिलता है सीलेंट्रेटा एनिमल के पास। इसीलिए निडल लाइक सेल होने के कारण इस पूरे ग्रुप को हमने नाम दे दिया निडेरिया। ठीक है, ये एनिमल अभी पॉरीफेरा से थोड़े अपग्रेड हो जाएंगे। पॉरीफेरा में क्या था, बॉडी का लेवल सेलुलर था। अभी यहाँ सेलुलर से अपग्रेड होगा तो बॉडी लेवल क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल हो जाएगा। तो बॉडी का लेवल क्या हो जाएगा, इसका टिश्यू लेवल हो जाएगा। मतलब इन एनिमल के अंदर जो बॉडी होगी उसमें सेल आपस में मिलकर काम करने वाली है। ये ग्रुप एक स्पेशल फंक्शन करेगा, ऐसा इनका बॉडी होगा। तो थोड़ा अपग्रेड हो गया, टिश्यू लेवल हो गया। पहले पॉरीफेरा में सिमेट्री नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब सिमेट्री हमको देखने को मिलेगा। हम बोलेंगे कि सीलेंट्रेटा के जो एनिमल होते हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं। उनकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आते जा रहे हैं। अब जब ये टिश्यू लेवल बन गया है, तो टिश्यू लेवल जब बना तो यहाँ पर हम जर्म लेयर की बात करेंगे। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे अभी देखने को मिल गया। इसके बाद चूंकि यहाँ पे टिश्यू दिखाई दे रहे, इसका मतलब जाइगोट ने कम से कम यहाँ पे जर्म लेयर तो बनाया होगा, ग्रुप ऑफ सेल बनाए होंगे, तभी तो टिश्यू बनेंगे। तो यहाँ पर अभी शुरुआत है, हम बोलेंगे केवल दो जर्म लेयर होती है, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। इसका मतलब ये एनिमल क्या कहलाएंगे, ये एनिमल हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएंगे। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक ये एक फीचर हो गया। नंबर वन टिश्यू लेवल हो गया, नंबर टू ये रेडियल सिमेट्री वाले हो गए, और नंबर थ्री ये डिप्लोब्लास्टिक। और इस फाइलम का जो यूनिक फीचर है उसको पॉइंट नंबर फोर आप मान लो, इसके अंदर नीडोसाइट सेल या नीडोब्लास्ट सेल मौजूद होती है। नीडोब्लास्ट सेल, या तो नीडोब्लास्ट कह सकते हैं या फिर हम नीडोसाइट भी बोल सकते हैं, नीडोसाइट सेल। और इनके अंदर वो पिन सी होती है जिसे ये किसी भी दूसरे एनिमल में चुभाते हैं, और ये नीडोब्लास्ट सेल कहीं ना कहीं शिकार करने के लिए है, अपने फूड को पकड़ने के लिए या किसी दूसरे एनिमल को डराने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, खासतौर पे न्यूट्रिशन में बड़े काम की है। और ये सेल होती कहाँ है, वो जब मैं थोड़ा बॉडी इनका दिखाता हूँ। अब ये दो जर्म लेयर है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो आउटर लेयर तो कुछ इस तरह की, मान लीजिए एक लेयर बनाती है, मान लीजिए ये मैं एक जनरल बना रहा हूँ, ये आउटर लेयर ने बनाया, ठीक है, आउटर सेल है। और इनर सेल ने मान लीजिए ये इसका बॉडी बना दिया इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं दो तरह की सेल यहाँ पर
मौजूद है। एक तो ये वाली सेल मौजूद है जिन्होंने ये बॉडी बनाया है, सेल 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 सेल, ये इनर सेल हो गई, ये अंदर वाला पार्ट बना रही है, और बाहर वाला पार्ट जो बनाया वो आपके ये वाली सेल ने बना दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी की जो वॉल है वो दो तरह की सेल से मिलके बनती है। एक्टोडर्म ने बाहर वाली लेयर बनाई, एंडोडर्म ने अंदर वाली लेयर बनाई। और इनके जो ये ओपनिंग है बॉडी का, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर कुछ इस तरह के कांटेदार इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनको हम बोलते हैं टेंटाकल्स। इस तरह के ये टेंटाकल्स पाए जाते हैं। अब ये चारों तरफ से है इस तरह से, ये इसका एक माउथ जैसा पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट। इस माउथ जैसे ओपनिंग को, पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो स्टोम। पॉरीफेरा में हमने क्या बोला था? पॉरीफेरा में तो चूंकि सेलुलर बॉडी लेवल था तो वहां पे तो हमने उसको ऑस्कुलम बोला था, यहाँ पे हमको क्या बोलना होगा? हाइपोस्टोम बोलना होगा। अब हाइपोस्टोम जो है, आप देख रहे हैं कि बीच में एक ब्लैंक स्पेस सा बन गया, ये वाला एक खाली कमरा, एक चैम्बर सा बन गया, और इस चैम्बर के अंदर इसका फूड आएगा, इस माउथ से इसमें फूड आएगा और फूड को यहीं पर डाइजेस्ट किया जाएगा, जैसे ये फूड आ गया माने। हाँ, अब इस फूड के ऊपर क्या किया जाएगा, ये जो सेल है इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम ड्रॉप करेंगी, और जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो यही सेल इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी, इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाद में जो वेस्टेज बचेगा वो इसी माउथ से फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो फूड यहीं से तो अंदर आना है, और आफ्टर डाइजेशन वेस्टेज को यहीं से बाहर निकलना है। केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है इनकी बॉडी में, सिंगल ओपनिंग देखने को मिली, और इस सिंगल ओपनिंग को ही नाम दिया गया हाइपोस्टोम। बात समझ में आना चाहिए। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं टेंटाकल्स। इनको नाम क्या दिया है? टेंटाकल्स, टेंटाकल्स। और इन टेंटाकल्स के ऊपर मौजूद है नीडोब्लास्ट सेल। ये सेल और ये इसका नुकीला पार्ट, ये सेल ये इसका नुकीला पार्ट, ये इस तरह से। अब ये टेंटाकल्स दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो इनके पास नीडोब्लास्ट सेल है, तो ये अपनी सुरक्षा करते हैं, इनको हिला के इनको चुभा देंगे किसी भी एनिमल। दूसरा, ये इन टेंटाकल्स को मूव करते करते खुद पानी में तैर सकते हैं, तो स्विमिंग में मदद कर रहे हैं टेंटाकल्स। और तीसरा फंक्शन है इस शिकार को पकड़ के, कोई भी इनका कोई फूड है, फूड को बेहोश कर दिया टेंटाकल से, और फिर इन टेंटाकल की मदद से माउथ में धकेल देता है, अंदर ले लेता है फूड। तो इस तरह से टेंटाकल्स बड़े काम के होते हैं इनके पास, और टेंटाकल्स के ऊपर ही होती है नीडोब्लास्ट सेल, तो ये भी आपको याद होना है। अब फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हुआ कि सेल के बाहर हुआ? अब सेल तो यहाँ है, सेल तो यहाँ है, अब सेल ने बाहर ही इसके यहाँ पर ही डाइजेशन कर दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, एंड आफ्टर डाइजेशन वेस्टेज को हाइपोस्टोम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कहानी है सीलेंट्रेटा की छोटी सी। अभी कुछ और बातें हैं जो इसमें बची हुई है। सीलेंट्रेटा के एनिमल की शेप बात करें, अगर हम शेप की बात करें तो ये जो शेप है रॉड जैसी शेप, इस तरह से ये वाली जो शेप है, ये हाइपोस्टोम हो गया, यहाँ पे ये टेंटाकल्स हो गए इस तरह से, और ये आपका रॉड जैसा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये एक कैविटी बनी जिसमें फूड आता है और फूड जाता है। तो ये फूड आने वाली जो कैविटी है, इस कैविटी का भी नाम दिया गया है, इस कैविटी को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, ठीक है, इस स्पेस का नाम है, इस स्पेस का। और यहाँ पर ये दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। ये जो शेप बनती है, इस शेप को हम बोलते हैं पॉलिप शेप। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिप शेप बोलते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉलिप शेप में ही पाए जाते हैं, वो हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा सीलेंट्रेटा में ही आता है।
एक एडम्सिया हो गया, एडम्सिया। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाइड्रा और एडम्सिया जो होते हैं वो हमेशा इस शेप में पाए जाते हैं, पॉलिप शेप में। इसी फाइलम के कुछ एनिमल अम्ब्रेला जैसी शेप में पाए जाते हैं। ये अम्ब्रेला जैसी शेप हो गई, ये इस तरह से। और ये जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो से ये बना हुआ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना है। और यहाँ पर इनके टेंटाकल्स निकल रहे हैं इस तरह से। और टेंटाकल्स के ऊपर क्या मौजूद है? टेंटाकल्स के ऊपर मौजूद है नीडोब्लास्ट सेल। ये टेंटाकल्स है ना, इनके ऊपर नीडोब्लास्ट सेल लगा दी। अब ये पानी में लगातार तैरता रहता है, ये स्विमिंग करता रहता है विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल्स। और इस शेप को जो एक अम्ब्रेला जैसी शेप बन गई, आप देखिए अम्ब्रेला ऐसा ही तो होता है ना, ये आपका अम्ब्रेला होता है। ये जो आपकी शेप बनी इसको हम बोलते हैं मेडूसा शेप, मेडूसा। तो हम कह सकते हैं कि सीलेंट्रेटा के एनिमल या तो पॉलिप शेप में पाए जाएंगे या मेडूसा शेप में पाए जाएंगे। अब जो जेली फिश है, जेली फिश बोलते ऑरिलिया। जेली फिश का नाम क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, जेली फिश। जेली फिश का नाम है ऑरिलिया, ऑरिलिया। जेली फिश का शेप हमेशा मेडूसा ही पाया जाएगा, ये पानी में तैरते रहते हैं। और जेली फिश का बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा देखने में अच्छा लगता है, ऐसे लगता है एक छोटा सा एनिमल पानी में स्विमिंग कर रहा है। तो जेली फिश नाम के पीछे फिश जरूर लगा है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये क्या है? ये सीलेंट्रेटा का एनिमल है। फिश तो बाद में आएगी जब हम कॉर्डेटा फाइलम नंबर 11 पढ़ेंगे, तब आपके फिश आएंगे। फिलहाल यहाँ केवल नाम के पीछे फिश लगा है, लेकिन ये वास्तव में फिश नहीं है, ये तो जेली फिश है। और जेली फिश को साइंस में बोलते हैं ऑरेलिया, ठीक है। तो ये मेडूसा में मिलती है, ये दो शेप में सीलेंट्रेटा के एनिमल पाए जाते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो इन दोनों शेप में इंटरचेंज करते रहे। अभी पॉलिप थे तो पॉलिप आगे चल के मेडूसा में चेंज हो जाता है, अभी मेडूसा था तो मेडूसा आगे चलकर पॉलिप में चेंज हो जाता है। जैसे हमने अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पढ़ा था कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बन जाता है, ठीक ऐसे ही सिलेंट्रेटा के कुछ एनिमल, सभी नहीं, कुछ एनिमल इस तरह का पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप में चेंज होते हैं। और चेंज करने की इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? मेटा जेनेसिस बोलते हैं। अब देखिए चेंज कैसे होते हैं, खास तौर पे हम बात करेंगे इनका। जो मेटा जेनेसिस होता है, पॉलिप से जब मेडूसा बनेगा, पॉलिप से जब मेडूसा बनेगा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो ऐसा बना लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिप से मेडूसा बना लेते हैं, और मेडूसा से पॉलिप बनाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तब ये मेडूसा से पॉलिप बना लेते हैं। और ऐसे खास तौर पे जो ये मेटाजेनेसिस करने वाले एनिमल है उनमें एक एनिमल का नाम कम से कम हम याद कर लेते हैं, उसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया ऐसा कर सकता है। हाँ, हमने देखा हाइड्रा तो हमेशा ऐसा ही मिलेगा, एडम्सिया भी हमेशा ऐसा ही मिलेगा, वो चेंज नहीं कर पाता है। और जो हमारा जेली फिश है ऑरेलिया, वो हमेशा मेडूसा में मिलता है। लेकिन हमारा जो ओबेलिया है, वो ओबेलिया क्या करता है? जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो पॉलिप से मेडूसा बना लेता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मेडूसा से पॉलिप बना लेता है। ये मेटाजेनेसिस प्रोसेस भी कुछ एनिमल में देखने को मिलती है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं सीलेंट्रेटा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे नाम तो याद हो गए। एक नाम है फाइसेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के। फाइसेलिया,
फाइसेलिया को हम, इसका कॉमन नाम बहुत बार पूछा जाता है, पुर्तगालीज मेम ऑफ वार बोलते हैं इसको। हाँ, पुर्तगाली मेन ऑफ वार, ये कई बार पूछा जाता है। इस एनिमल का शेप ऐसा होता है कि जैसे ये लड़ाई लड़ने के लिए बंदूक लेके कहीं जा रहा है। मेन ऑफ वार, जो युद्ध में सैनिक जाता है तैयार होके, और वो भी कौन सा, पुर्तगाल का। पुर्तगाल एक कंट्री का नाम है, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से नाम रख दिया इसका, फाइसेलिया है एनिमल का नाम, तो फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगालीज मैन ऑफ वार। हाँ, इसका यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो देखेगा, एनिमल गूगल पे इसका फोटो देखना, आपको याद हो जाएगा फाइसेलिया कैसा होता है, मैन ऑफ वार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडम्सिया है, अभी मैंने बताया था एडम्सिया और हाइड्रा दोनों बताए थे आपको। एडम्सिया, एडम्सिया को बोलते सी एनिमोन, सी एनिमोन, यही नाम पूछे जाते कि सी एनिमोन किसका नाम है, तो आंसर आना चाहिए एडम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पिन्नेटुला, पिन्नेटुला, पिन्नेटुला को हम बोलते हैं सी पेन। ऐसे लगता है समुद्र में एक पेन है और वो पेन चल रहा है। ये ना यूट्यूब पे इनका वीडियो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, रोमांचक लगता है इनको, सबको थोड़ा देखना चाहिए आप। ये पेन के जैसा शेप होता है, एक्चुअली वो पॉलिप शेप है, तो ऐसे लगता है जैसे एक पेन चल रहा है जमीन पे, समुद्र के अंदर जो पानी में सरफेस है उस पे ऐसे लग रहा है जैसे एक पेन मूव कर रहा है, इसको बोलते सी पेन, समुद्री पेन, पिन्नेटुला को बोलते। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही गौरगोनिया, गौरगोनिया, गौरगोनिया को बोलते समुद्री पंखा, सी फैन बोलते हैं। वो पेन था, ये फैन है, सी फैन। आपने जापानी में एक पंखा देखा होगा इस तरह से, इसको ऐसे हिलाते हैं, ये इसको ऐसे आपने देखा होगा जापान वाला शेप में, तो ये इस तरह की शेप का एनिमल है, इसलिए इसको बोलते हैं जैसे समुद्र में एक पंखा मतलब पड़ा हुआ है, सी फैन बोलते हैं गौरगोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट। पिन्नेटुला को बोलते सी पेन, फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगालीज मैन ऑफ वार। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद होना चाहिए। अब हाइड्रा तो इसमें है ही है, जेली फिश इसके अंदर है ही है, जेली फिश हाइड्रा। मुझे लग रहा है कि एक बार जब आप इनका वीडियो देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ फाइलम में अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, वो हमको याद करने को। चलिए, तो ये फाइलम हमारा हो गया फाइलम नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं फाइलम नंबर 3। फाइलम नंबर 3, और फाइलम नंबर 3 का नाम होगा टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा को सी वॉलनट बोलते हैं। कॉमन नाम क्या है, सी वॉलनट। ऐसे लगता है कि वॉलनट पड़ा है समुद्र के अंदर। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कॉम्ब जेली भी बोलते हैं, कॉम्ब जेली। अब देखिए, अभी हमने देखा था ऑरिलिया, देखा था ऑरिलिया को बोला था जेलीफिश, जेलीफिश बोला था, और ये पूरा का पूरा एक जेली टाइप के एनिमल है, नाम रख दिया कॉम्ब जेली। जेली जैसे लगते हैं देखने में, मतलब वही इस तरह के जेली जैसे ही हैं इनका बॉडी, जो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको हम जेली बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन उनके अंदर कॉम्ब प्लेट लगी होती है, इसलिए नाम रख दिया इनका कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट। ये क्या होती है थोड़ा सा अभी इसको समझा। तो सबसे पहले इनको सी बॉल नट बोला, मतलब एक गोल स्फेरिकल नट के जैसा इनका शेप है, गोल फुटबॉल के जैसे, बॉल जैसा ये एनिमल है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो शेप पर 8, 1, 2,
तीन चार पाँच छ सात आठ ऐसे, ये छोटे छोटे कांटे 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 से लगे होते हैं इनके पूरी बॉडी के बाहर आउटर सरफेस पर, इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट। तो ये इनका यूनिक फीचर है। ये संख्या में कितने होते हैं? आठ होते हैं। तो इनके अंदर आठ कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं और ये कॉम्ब प्लेट के जो ये सीलिया जैसी स्ट्रक्चर हैं ये मूवमेंट करके इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो कॉम्ब प्लेट का फंक्शन भी कई बार पूछा जाता है, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये इनका यूनिक फीचर है कि कॉम्ब प्लेट जिनके अंदर भी मिलेगा उनको हमें टीनोफोरा के अंदर शामिल करना है। बाकी जो कुछ भी ये थर्ड फाइलम है पूरा का पूरा सीलेंट्रेटा के जैसा है। सीलेंट्रेटा के जैसा है मतलब सबसे पहले बात करें तो ये टिश्यू लेवल का बॉडी है। नंबर टू बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं। नंबर थ्री बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कोई वाटर के अंदर है। इनकी बॉडी पर एट कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं जो मूवमेंट में मदद करती हैं। हाँ, इस तरह से दो इनमें ये बड़े बड़े फ्लैजेला भी होते हैं, ये भी मदद करते हैं मूवमेंट में। इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। केवल क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। वहाँ पे तो असेक्सुअल भी हो रहा था, सेक्सुअल भी हो रहा था, यहाँ पर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है, ये जो एनिमल है समुद्र के अंदर, ये अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं, उजाला निकलता है इनकी बॉडी से, लाइट इमिट करते हैं। और इस पावर को, अगर एक एनिमल की बॉडी से लाइट निकलती हो, चमकता हो, तो इस पावर को हम बोलते हैं बायो लुमिनसेंस। बायो मतलब एक लिविंग, लुमिनसेंस का मतलब बॉडी से लाइट इमिट करना, बायो लुमिनसेंस। तो ये सभी एनिमल पानी के अंदर अपनी बॉडी से लाइट इमिट करने की पावर रखते हैं, मतलब बायो लुमिनसेंस पावर इनके पास होती है। बस छोटा सा ये ग्रुप था, टीनोफोरा बिल्कुल सीलेंट्रेटा के जैसा ही है। केवल डिफरेंस मिला हमको, एक तो कॉम्ब प्लेट इसके पास है और एक ये बायो लुमिनसेंस की पावर रखता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लीजिए अगर हो जाए तो। एग्जाम्पल में हमको याद करना है टीनो प्लाना, टीनो प्लाना। ये अगर नाम याद नहीं रहे तो प्लूरोब्रैंकिया नाम याद हो जाए, दोनों में से एक आध नाम याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमको याद करना चाहिए। प्लूरोब्रैंकिया, या तो ये नाम याद हो जाए या फिर टीनोफोरा का टीनोप्लाना याद आसानी से हो जाएगा। टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल टीनोप्लाना। तो इस तरह से आप धीरे धीरे फाइलम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी तक तीन फाइलम हो चुके हैं। सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे। पुर्तगालीज मैन ऑफ वार किसे कहते हैं? हाँ, समुद्री पेन, समुद्री पंखा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आई थिंक धीरे धीरे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है और क्लासिफिकेशन, एक नई दुनिया एनिमल की हमको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गई है। तो बाकी की बातें अगली क्लास में।